नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। जनपद मैनपुरी के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता किशन दुबे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता नियुक्त किया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा यह जिम्मेदारी दिए जाने से ब्राह्मण समाज के लोगों व उनके समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता किशन दुबे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा प्रबुद्ध सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली नेता किशन दुबे के निज निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर उन्हें धोखा देने का कार्य किया है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किशन दुबे ने कहा कि अब उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों के हित के लिए काम होगा। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अन्य राजनीतिक दल कम आंकने की गलतफहमी न करें। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काफी मेहनत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, क्या उद्देश्य रखा है आपने? प्रदेश में कैसे कार्य करेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? इससे पहले मैं, चूंकि आज नववर्ष का प्रथम दिन है, मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, प्रगतिशील पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पत्रकार मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने पूछा आदरणीय शिवपाल जी, जो मैं सदैव से ये मानता रहा हूं, मैं नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश मानता है कि जमीन से जुड़े नेताओं में अगर पूरे देश में किन्हीं दो नेताओं का नाम आता है तो निश्चित रूप से पहले नंबर पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और उसके बाद जमीन पर काम करने वाले और लोगों के दुख दर्द में सदैव साथ खड़े रहने की क्षमता वाले व्यक्ति आदरणीय शिवपाल जी हैं, जो प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में मुझ जैसा युवा काम कर रहा है। इससे पहले भी जो रैली हुई उसमें उन्होंने प्रभारी बना के जो मुझ पर विश्वास जताया था, मैंने अपनी क्षमता और अपनी मेहनत से जितना संभव हुआ, हमारे सभी साथी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, छोटे भाई नीरज हैं, अमित हैं, युवा जोश है, इन सभी ने मदद करके और सभी ने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ में जो जन आक्रोश रैली हुई थी उसके उपरांत उन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास जताया और मुझे प्रबुद्ध सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं तहे दिल से नेतृत्व को, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय आदित्य यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं सदैव मेहनत और लगन से काम करने वाला व्यक्ति हूं और मैंने सदैव ये किया भी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी दल ने उसे रिकॉग्नाइज न किया हो, वो न महसूस कर पाए हो, या उनकी खुद की नेतृत्व क्षमता में कमी हो। तो मैं किसी पर सवाल या निशान नहीं लगा रहा, लेकिन सत्यता यही है कि जिस शिद्दत, जिस मेहनत से मैं इसमें काम कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने काम किया है, और चूंकि अब बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष का पद है और प्रबुद्ध सभा का पद दिया गया है, पूरे प्रदेश में संगठन मजबूत करना है, सभी जिलाध्यक्षों को बनाना है और पूरी जिला इकाई पूरे प्रदेश में तैयार करनी है, बहुत जल्दी मैं कोई काम ये नहीं हो सकता। मैं कभी बहुत हवा हवाई बात करने का आदि नहीं हूं, धरातल पर काम होगा, लेकिन मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूं कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरे प्रदेश में एक बहुत चमत्कारिक युवाओं का संगठन हम अपने साथियों के साथ तैयार करने में कामयाब होंगे और इस संगठन के साथ हम आदरणीय शिवपाल जी को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। ये मेरी इच्छा भी है, हमारे सभी जुझारी साथियों की इच्छा है कि हम शिवपाल जी के हाथों को बेहद मजबूत करने का काम करें। ब्राह्मणों की जिम्मेदारी आपको सौंपी है शिवपाल जी ने, तो क्या 2019 के चुनाव में ब्राह्मणों का कितना प्रतिशत हिस्सा ये माना जाए कि आपके साथ खड़ा दिखाई देगा? कोई दावा कर पाना या कोई फिगर बता पाना तो हाइपरबोल होगा, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के कहना होगा, लेकिन इससे पहले भी करहल में जब कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझसे पूछा था, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि आज के दौर में जिस परिवेश में राजनीति चल रही है, इस परिवेश में ब्राह्मण सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस भी दल ने ब्राह्मण का इस्तेमाल किया, उसने ब्राह्मण को केवल और केवल उसके वोट का इस्तेमाल किया, उनके हितों की रक्षा नहीं की, उनके हितों के लिए काम नहीं किया, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं,
बहुत से शोषित वर्ग हैं, बहुत से कमजोर वर्ग हैं, जिनके लिए किसी भी समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद करने का जो जज्बा होता है वो किसी भी दल ने नहीं दिखाया। मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं अपने नेतृत्व पर गर्व करके ये कह सकता हूं कि शिवपाल जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे पूरे ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश को एक बहुत आशा है, पूरी आशा भरी नजरों से उनको देख रहे हैं और ये लग रहा है कि निश्चित रूप से ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में यूनाइट होकर आदरणीय शिवपाल जी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेगी पद पर आने के बाद में? पद पर आने के बाद जो मैंने अभी तक अपने जीवन काल में जो भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जिया है उसमें मेरा अपना, मैंने तो कई बार पत्रकार वार्ता में और कई पत्रकार मित्रों तक से निवेदन किया कि जिस व्यक्ति को, जिस अंतिम समाज के व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, मदद वहां तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी। 2019 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2019 के चुनाव को लेकर चूंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही कोई ठोस बात बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर और उनसे हुई मुलाकातों के आधार पर कि हम किसी मजबूत गठबंधन में जाएंगे और ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि बहुत हल्के में अगर कोई विरोधी आंक रहा हो तो वो निश्चित रूप से बहुत गलतफहमी का शिकार है। लोग जान गए हैं, प्रदेश की जनता जान गई है, प्रदेश में हुए आदरणीय शिवपाल जी के बड़े कार्यक्रमों में और उनकी भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि आदरणीय शिवपाल जी के साथ प्रदेश की जनता बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल तैयार खड़ी है। चुनाव आने दीजिए, जो भी परिणाम होंगे सामने आएंगे, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश शिवपाल जी के साथ खड़ा है।